आज का गेम स्टार्ट करते हैं और आज के गेम की कंडीशन ये है कि आप लोगों को एक विश मांगनी है ड्रैगन बॉल से, लेकिन आज के गेम में आप सिर्फ वही विश मांग सकते हो जो विश अभी तक ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में मांगी जा चुकी है या फिर किसी ने उस विश को मांगने के बारे में सोचा है। आप खुद से कोई से भी विश नहीं लिख सकते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन से विश मांगोगे। How about some new boots? Size 9, please. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सेट्स के बारे में। अभी तक हम लोगों को कैनन में 4 ड्रैगन बॉल के सेट देखने को मिल गए हैं। ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल ड्रैगन बॉल जीटी से है और ड्रैग ड्रैगन बॉल्स ड्रैगन बॉल सुपर हीरो से है, और ये दोनों कैनन नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों को यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कैनन ड्रैगन बॉल्स की बात करेंगे और उनको पावर लेवल के हिसाब से देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है और कौन सबसे वीक है। तो नंबर 4 पे जो ड्रैगन बॉल आती है वो है सीरियल्स ड्रैगन बॉल। ये ड्रैगन बॉल्स हमें मांगा में दिखाई गई है और ये अभी तक जितने भी ड्रैगन बॉल्स का सेट दिखाया गया है उसमें से सबसे छोटा सेट है। तो इसे कलेक्ट करना और इसे विश मांगना बहुत आसान है, लेकिन इसकी पावर्स भी उतनी ही ज्यादा लिमिटेड है। जैसे कि इससे अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की विश मांगते हो तो ये आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के बदले में आपसे आपका लाइफ स्पैन ले लेगा, और कितना लाइफ स्पैन लेगा और इसका क्या कैलकुलेशन है ये हमें अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि ये ड्रैगन बॉल आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसकी पावर्स भी उतनी ही ज्यादा लिमिटेड है। उसके बाद जो 3rd नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन बॉल का सेट आता है वो है अर्थ की ड्रैगन बॉल्स। अर्थ की ड्रैगन बॉल से मेरा मतलब है ओरिजिनल अर्थ की ड्रैगन बॉल्स, क्योंकि उसकी जो पावर्स थी वो काफी लिमिटेड थी। वो सिर्फ एक विश को ग्रांट कर सकती थी, और एक बार अगर किसी ने विश मांग ली तो उसके बाद ड्रैगन बॉल्स पत्थर में कन्वर्ट हो जाते और अगले एक साल तक उनसे कोई भी विश नहीं मांग सकता। और जब तक वो पत्थर में कन्वर्ट हो गए हैं तब तक उन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढा भी नहीं जा सकता है, तो इनका जो यूज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से इसे एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है। अभी की जो अर्थ की ड्रैगन बॉल्स हैं वो 3 विशेस ग्रांट कर सकती हैं, और जब तक एक साल के अंदर तीनों विश नहीं ग्रांट की गई हैं तब तक ये पत्थर में कन्वर्ट नहीं होती है। तो अभी की ड्रैगन बॉल की पावर पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। When Earth's Guardian was replaced, my powers were altered as well. Today I have the ability to grant you 3, but there are limits. If the wish requires great power, such as bringing back the planet's population, that would consume 2 wishes. फिर जो अगले ड्रैगन बॉल का सेट आता है वो है नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स। अब इस सेट में भी 7 ड्रैगन बॉल्स हैं और इसके ड्रैगन का नाम पोरुंगा है। ये ड्रैगन बॉल्स जब इंट्रोड्यूस की गई थी तब ये अर्थ की ड्रैगन बॉल से ज्यादा ताकतवर मानी जाती थी, क्योंकि ये एक बार में 3 विशेस ग्रांट कर सकती थी, लेकिन अर्थ की ड्रैगन बॉल सिर्फ 1 विशेस ग्रांट कर सकती थी। You have collected all 7 ड्रैगन बॉल्स. And now, as it is written, think wisely and I will grant you 3 wishes within my power. लेकिन ऐसा नहीं था कि ये उससे ज्यादा ताकतवर थी, क्योंकि अर्थ की जो ड्रैगन बॉल्स थी वो एक बार में कई सारे लोगों को रिजरेक्ट कर सकती थी, लेकिन नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को रिजरेक्ट कर सकती है। तो ये इस ड्रैगन बॉल में कमी थी, लेकिन बाद में इस कमी को सुधार दिया गया और उसके बाद नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स भी एक साथ कई सारे लोगों को रिजरेक्ट कर सकती है। इनफैक्ट नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स ने पूरे अर्थ को रिजरेक्ट किया था। और फाइनली स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन बॉल जो अभी तक हमें देखने को मिली है वो है सुपर ड्रैगन बॉल्स। ये यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 में रहती है और ये प्लेनेट साइज की रहती है, तो इन्हें कोई इंसान तो कलेक्ट ऑब्वियसली नहीं कर सकता। इसे गॉड्स या फिर एंजल्स कलेक्ट कर सकते हैं और उनसे विश मांग सकते हैं। अभी तक हमने सुपर ड्रैगन बॉल की पावर्स की लिमिट नहीं देखी है, क्योंकि इससे जो भी विश मांगी गई है वो तुरंत ग्रांट कर दी गई है। हमने ये देखा है कि सीरियल्स की ड्रैगन बॉल की लिमिट है कि वो पावर देने के बदले कुछ आपसे लेती भी है। अर्थ की ड्रैगन बॉल्स की लिमिट है कि वो अपने गैलेक्सी में ज्यादा से ज्यादा अपने यूनिवर्स में काम कर सकती है, क्योंकि जब अर्थ के शेनरॉन से सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में पूछा गया था तो उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो अर्थ के शेनरॉन की लिमिट सिर्फ इसी यूनिवर्स में होगी या फिर उसके इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होगी। फिर नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स की अगर लिमिट की बात की जाए तो शुरू में काफी सारी लिमिट्स थी, लेकिन बाद में उन लिमिट्स को हटा दिया गया, लेकिन आज के टाइम पे भी ये अपने यूनिवर्स के बाहर काम नहीं कर सकती है, तो ये भी लिमिटेड है। लेकिन सुपर ड्रैगन बॉल्स पूरे 12 यूनिवर्सेस में स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन की तरह इस्तेमाल की जा सकती है अगर कोई करना चाहे तो, क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके ज़ामासू ने खुद को इमॉर्टल बना लिया था, वीरस ने यूनिवर्स 6 को एक अर्थ गिफ्ट की थी, और एंड्रॉइड 17 ने बहुत सारे यूनिवर्सेस जो कि ग्रैंड ज़ेनो ने इरेज़ कर दिए थे उन सबको वापस ला लिया था। तो इसकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आप लोगों को पता हो कि इसकी पावर्स की लिमिट क्या होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें कहो अपनी विश बताने के लिए। और अगर आप शेयर करने के बाद पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।